बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं गुड़ के पराठे, तो चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। ये तो पराठे के लिए हमने एक कप आटा लिया है, घर में जो नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं। हाफ कटोरी गुड़ लिया है, 2 से 3 चम्मच हमने मक्खन लिया है, 2 चम्मच तिल लिए हैं, 1/4 चम्मच हमने नमक लिया है, 1 चम्मच ज़ीरा और 1/4 चम्मच अजवाइन। अब हम आटा गूंध लेंगे। आटा ज़ीरा अजवाइन नमक और मक्खन। अब हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जी तो आटा हमारा अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब हम इसे हल्का हल्का पानी डाल के अच्छी तरह गूंद लेंगे। ये तो आटा हमारा गूंद चुका है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। जब तक हमारा आटा रेस्ट में है तब तक हम गुड़ को मैश कर लेते हैं। ये तो गुड़ हमारा मैश हो गया है। अब हम इसमें तिल डालेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जी तो गुड़ हमारा मैश हो चुका है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये तो 5 मिनट हमारे हो चुके हैं। आप देखें कि हमारा आटा कितना सॉफ्ट हो गया है। हमें ऐसा आटा चाहिए, तो अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। तो हम इस साइज का पेड़ा बना लेंगे। ये तो पेड़े हमारे बन चुके हैं। अब हम इन्हें बेल लेंगे। ये तो पेड़े को हम इतना बेलेंगे और इसमें गुड़ रखेंगे। अब हम इसको इस तरह करके इसका पेड़ा बना लेंगे। अब ऐसे ही हम इसे बेल लेंगे। ये तो पेड़े को हम इतना ही बेल लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बेलेंगे क्योंकि गुड़ की वजह से ये टूट सकता है। जी तो बाकी सबको भी हम इसी तरह बेल लेंगे।
ये तो रोटियां हमारी बिल चुकी हैं, अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। ये तो पराठा हमारा फ्राई हो चुका है, अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। ये तो तैयार हैं हमारे मज़ेदार से गुड़ के पराठे। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।